नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम विचार विमर्श करते हैं मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, सही पहचाना आपने, धर्म की ऊर्जा के बारे में। एक अमूल्य वरदान जो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें बताया कि वो स्वयं धर्म के मार्ग पर कैसे चल पड़े थे। आज वो हमें बुद्ध की शिक्षा गृहस्थों के लिए कैसे लाभदायी है, ये मंगलसूत्र नामक उपदेश के द्वारा समझाएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटे। प्रणाम माताजी। गुरुजी, आपने गृहस्थों के मंगल की बात की, इसे लेकर मन में एक प्रश्न उठता है गुरुजी कि हम बचपन से ही मंगल अमंगल शगुन अपशगुन के बारे में सुनते आए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी, मान्यता तो बहुत गहरी है कि कोई शकुन हो गया, जिसको हम शकुन कहते हैं, तो बड़ा मंगल हुआ, अपशगुन हो गया तो बड़ा अमंगल हुआ। किसको शकुन कहें, किसको अपशकुन कहें, अलग अलग मान्यता है। इसका कुदरत के कानून से, निसर्ग के नियमों से कोई लेन देन नहीं। अगर निसर्ग के नियमों के अनुसार जो शकुन माना जा रहा है वो मंगलदायी है, तो सबके लिए मंगलदायी होना चाहिए। जो अपशगुन माना जा रहा है और वो अमंगलदायी है, तो सबके लिए मंगलदायी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। जैसे अपने यहाँ गोबर को बहुत अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं। पुराना साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे प्रसंग आते हैं कि लोग रात को सोते थे तो अपनी खटिया के पास गीला गोबर रखते थे, ताकि सुबह उठते ही उस गोबर को छू करके माथे के लगाएं तो बड़ा मंगल होगा, बड़ा अच्छा शकुन हो गया। पश्चिम देशों में गोबर को बहुत बुरा मानते हैं। वहाँ किसी को गाली देनी हो तो बैल का गोबर बुलशिट कहेंगे, बुरा मानते हैं वो। अपने यहाँ भी कोई कोई बुरा मानता है। जब कोई आदमी बड़ा मूर्ख हो तो कहेंगे गोबर गणेश है, कहेंगे तेरे माथे में गोबर भरा है। तो सबकी एक जैसी मान्यता नहीं होती। और भी बहुत सी बातें हैं जो सबकी एक जैसी नहीं होती। अगर एक जैसी होती हो तो हम माने कि प्रकृति का नियम ऐसा है, ये दिख गया तो सबका मंगल होगा, वो दिख गया तो सबका अमंगल होगा। ऐसा नहीं होता। शकुन काहे का अच्छा होता है? अपने कर्मों का शकुन अच्छा होता है। जिस पल, जिस क्षण, जिस समय, जिस मुहूर्त हमने अपने मन से, वाणी से, शरीर से अच्छा कर्म किया, हमारे लिए शुभ मुहूर्त हो गया। और जिस क्षण, जिस पल हमने बुरा कर्म किया, अपशकुन हो गया। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, तो सब पर लागू होगा। ये शकुन, ये मंगल, ये अमंगल सही है, बाकी सब तो धोखा है, उनसे बचना चाहिए। बेटी, कर्मों को, अच्छे कर्मों को शकुन और बुरे कर्मों को अपशकुन माने तो धर्म का रास्ता मिल गया। अपने यहाँ पुरुष का दाहिना अंग फड़के, भौं फड़के, आंख फड़के या और कोई अंग फड़के, बड़ा शुभ। बायां फड़के तो बड़ा अशुभ। और नारी का बायां फड़के तो बहुत शुभ और दाहिना फड़के तो बहुत अशुभ। पड़ोसी देश में हमने देखा, नारी हो या पुरुष हो, अगर ऊपर की भौं फड़कती है तो बड़ा शुभ, आंख फड़कती है तो बड़ा अशुभ। अब कैसे माने ये कुदरत का कानून है? कुदरत का कानून हो तो सब पर एक जैसा होना चाहिए, नहीं होता ना। उलझे रहते हैं इस तरह की बातों में, इतना समय खराब करते हैं। एक बात पकड़ लें, हमको अपना कर्म सुधारना है, यही शकुन हमारे लिए, और हमारा भविष्य सुधारेगा अपने आप, बात बन गई। गुरुजी, आपकी ये बात सुनकर मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। हाँ? वो है भविष्यवाणी के बारे में। गुरुजी, कई बार हम समस्याओं से हैरान होकर ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, क्या इन सब चीज़ों में विश्वास रखना ठीक है? बेटी, अधिकतर तो उलझन ही होती है। जहाँ
किसी को कह दिया गया कि तेरा भविष्य तो बड़ा अंधकारमय है, अब उसकी हालत देखो बेचारे की। वो अपने काम में कितना ही कुशल हो, अब वो उसी काम को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। उसको ये होगा मुझे चाहे जितनी कुशलता से करूँ परिणाम तो खराब आने वाले हैं, क्योंकि हमारे बारे में तो ये भविष्यवाणी है, तो उसे काम करने की शक्ति खराब कर दी हमने। किसी को कह दिया तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तो बड़ी मेहनत के साथ काम करता था, अरे अब क्या जरूरत है, कम मेहनत करें तो भी भविष्य तो हमारा अच्छा होने ही वाला है। और मान लो कि नहीं भविष्य अच्छा हुआ उसका, तो उस व्यक्ति की निराशा का कोई ठिकाना नहीं। तो इसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए, अधिक से अधिक इन भविष्यवाणियों को या अन्य कोई संकेत है उसको हमारे कर्म का फल इस प्रकार का आने वाला है इसका एक पूर्व संकेत मान के चलें, तो कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा पूर्व संकेत है आगे ऐसा होने वाला, हुआ तो ठीक, न हुआ तो ठीक, हम मन की समता कायम रखेंगे, बात बन गई। अन्यथा उसमें उलझे रह जाएंगे तो अपनी हानि कर लेंगे। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने कि हमें इन भविष्यवाणियों से दूरी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, सोचिए। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, क्या भगवान बुद्ध ने भी शकुन अपशकुन के बारे में कुछ कहा है? बहुत कुछ कहा बेटी। लोग जो शकुन अपशकुन के जंजाल में पड़े हुए थे उनको बाहर निकाला। कर्मवादी थे, कर्म को महत्व देना है, बाकी सारी बातें निकम्मी। उनके जीवन की एक घटना, एक व्यक्ति बहुत कट्टर शकुनवादी, एक दिन नहा धो करके नए कपड़े पहनने के लिए अपनी पेटी खोली तो देखा कि जो कपड़े पहनना चाहता था उसको एक कोने पर चूहों ने काट दिया। चूहों ने काट दिया तो बड़ा अपशकुन हो गया। ऐसे चूहों के कुतरे हुए कपड़े को जो पहनेगा उसका विनाश हो जाएगा। अरे तो क्या करें, नौकर को देंगे फेंकने के लिए तो बड़ा कीमती वस्त्र है, उसका मन चाहेगा कि मैं पहन लूं तो उस बेचारे का अनर्थ हो जाएगा। तो अपने बेटे से कहा तू इसको छूना मत, और बिना छुए हुए तो कहीं बाहर दूर शमशान भूमि में फेंका इसको। ऐसे उस कपड़ों को लाठी पर उठाया और शमशान भूमि में फेंकने गया। वहां संयोग से भगवान बुद्ध थे। अरे क्या कर रहे हो? महाराज हमारे यहाँ चूहे का कुतरा हुआ ये वस्त्र निकल आया और पिताजी ने कहा है तो बड़ा अपशकुन है तो इसलिए फेंकने आया हूँ। अरे कुछ अपशकुन नहीं होता, इसमें क्या अपशकुन हुआ, जो पहनेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो चलो हम पहनेंगे, कुछ नहीं विनाश होता। वो लेके चले गए। बेटे ने आके बाप को सारी बात बताई। बेटा सोचता है कि वो ले गए तो उनका अनर्थ होगा। बाप भी सोचता है अरे भगवान बुद्ध ले गए कहीं पहन लेंगे तो उनका अनर्थ हो जाएगा, उनके भिक्षुओं का अनर्थ हो जाएगा, उनके बिहार का अनर्थ हो जाएगा। तो एक नए वस्त्र की जोड़ी लेकर पहुंचा उनके पास। महाराज आप ये वस्त्र पहनिए, ये चूहे के कुतरे हुए वस्त्र अगर पहन लेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान मुस्कराए, अरे कोई अनर्थ नहीं होता, ये सारी मिथ्या मान्यताएँ हैं। और फिर उनको तो निकालना था उस जंजाल में से, तो इस पर एक उपदेश दिया, एक पूर्व जन्म की उसकी अपनी घटना सुनाई। उनका होश जागा, बेटा और बाप दोनों के दोनों भगवान के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलते 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 श्रोतापन्न हो गए, मुक्तवस्था प्राप्त हो गई, बड़ा कल्याण हो गया। तो क्या गुरुजी अच्छे बुरे सपनों में मंगल अमंगल देखना अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है बेटी। इन सारे जंजालों से जो आदमी जितनी जल्दी निकल जाए उसका कल्याण हो जाए। भगवान के जीवन की एक और घटना सुनाई तुम्हें। कौशल देश का राजा प्रसेनजीत एक रात को स्वप्न में उसे कुछ शब्द सुनाई दिए बड़े भयानक, तो घबरा गया। रात भर पसीने छूच रहे हैं, घबरा रहा है। तो सुबह अपना पुरोहित जो था, जो कि स्वप्नों का अर्थ बताने वाला था, उसे बुलाया। मुझे ऐसा स्वप्न आया तो क्या अर्थ होता है इसका? उस बेचारे पुरोहित को भी समझ में नहीं आया, तब उसको तो अपनी पोजीशन बनाए रखनी थी। तो कहता है बड़ा अमंगल, ऐसे शब्द आपने सुने तो बड़ा अमंगल। क्या अमंगल? आपकी मृत्यु निकट है, ऐसे शब्द सुनते हैं तो मौत आती है, घबराए आप क्या करें? तो कोई रास्ता है? रास्ता क्यों नहीं है? उसको अपना काम करना था, रास्ता क्यों नहीं है? एक महायज्ञ करेंगे,
उसमें इतने पशु इतने पक्षी, और फिर देखा केवल पशु पक्षी होंगे तो कहीं इसके मन में ये ना हो कि ये कहीं उस उन पशु पक्षियों के मांस खाने का लोभ के मारे करवा रहा है। नहीं, उसमें पुरुष और नारी भी, माने नरमेद भी होना चाहिए, केवल पशुमेद नहीं, तो सो पुरुष और सो नारी भी। अब राजा को अपनी जान बचानी थी, इकट्ठे कर लिए पशु पक्षी और सो पुरुष सो नारी, यज्ञ मंडप में सबको बांध दिया। अब रो रहे हैं, चीख रहे हैं। अब जिन पुरुष और नारी को वहाँ बांधा हुआ उनके परिवार वाले रो रहे हैं। तो राजा की रानी मल्लिका जब ये सुनती है ये क्या हो रहा है, तो पूछती है प्रसेनजी से, क्या हो रहा है? रात को मुझे स्वप्न आया और हमारे पुरोहित जी कहते हैं इसका अर्थ ये है कि मृत्यु होगी, और हमारी मृत्यु से बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसने कहा, किसके चक्कर में पड़ गए? इस समय भगवान बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, जेतवन विहार में टिके हुए हैं, उनसे चल के पूछे ना। तो गए भगवान बुद्ध के पास, वो सारी बात सुनी और मुस्कराए, अरे कोई इसका अर्थ यह नहीं है, इन शब्दों का सही अर्थ ये है, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई मृत्यु होने वाली नहीं है, ये जो पाप कर रहे हो ये तुम्हें दुख देगा। तो जाकर के सब कुछ छोड़ दिया, नहीं तो इस मंगल अमंगल कुस्वप्न दुस्वप्न इस चक्कर में और नया पाप बांध लेता। तो ये सारी निकम्मी बातें हैं, उनको ध्यान न दे करके अपने कर्मों पर ध्यान दे। हम सत्कर्म ही करेंगे तो हमारा मंगल ही होगा, हम बुरा कर्म करेंगे तो अमंगल ही होगा, बस एक सादे सब सदे। शुक्रिया गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी घटना सुनाई आपने, लेकिन गुरुजी हमारी परंपरा से चली आई मान्यताएं तो कुछ और ही कहती हैं। इस विषय पर आपसे और भी जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, ब्रेक से पहले आप हमें बता रहे थे कि कैसे शकुन अपशकुन भविष्यवाणी इत्यादि पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे अगर शादी विवाह का मामला हो तो फिर ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व बताते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महत्व बताते हैं पर महत्व है नहीं बेटी, किसी बात को अंधविश्वास से मानते चले जाएं और उसको हम कहें बहुत तो महत्व की बात है तो इससे कुछ होता नहीं। भगवान के जीवन काल की एक घटना सुनाऊं। कोई एक गांव का व्यक्ति श्रावस्ती नगर में आया, वहाँ किसी की लड़की को अपने लड़के के साथ विवाह करने के लिए बात पक्की की, और दोनों ने मिल करके वहाँ के पंडित को पूछ करके एक समय भी निश्चित कर लिया कि ये लगन दोनों के लिए बहुत ठीक है, इस वक्त विवाह होना चाहिए। अब वो गांव का आदमी अपने गांव गया और उसका जो घरेलू ज्योतिषी था उसे कहा कि मैं अपने बेटे का संबंध निश्चित करके आया हूँ और ये लगन का समय निश्चित हुआ, विवाह का समय निश्चित हुआ है, आप क्या कहते हैं? उसको बुरा लगा कि निश्चित भी कर लिया, अब पूछने मुझसे आया है। तो उसने कहा, देख बहुत खराब है, वो लगन बहुत खराब है दोनों के लिए, उसके दो दिन बाद का लगन सबसे अच्छा है, उसमें करो। अब उन दिनों आपस में जो आने जाने में बहुत समय लगता था, तो उसने निश्चित तो किया दो दिन बाद करूँगा, लेकिन जब बेटी वालों को सूचना भेजी वो उस दिन पहुँची जिस दिन की विवाह होने वाला था। अब उसे कहा गया कि आज नहीं विवाह दो दिन बाद होगा, तो उसके ज्योतिषी ने कहा, अरे नहीं नहीं इसका विवाह आज ही होना चाहिए, नहीं होगा तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। तो क्या करे बेचारा, नगर के किसी दूसरे लड़के से उसका विवाह कर दिया। अब दो दिन बाद उनके बारात आई, विवाह तो हो चुका। अब उसने भले हल्ला गुल्ला किया, लड़ाई झगड़े किए, अब क्या होना, लड़की तो पराई हो गई, क्या होगा, अपना समूह लेके चले गए। तो ये बेटी, बहुत बार ये ग्रह नक्षत्र लगन जो करते हैं जजमान को खुश करने के लिए, जजमान को सोचना चाहिए कि हम कहाँ उलझ रहे हैं। कितने ही ग्रह नक्षत्र लगन कुंडली देख करके विवाह करने के बावजूद भी क्या रिजल्ट आते हैं? वशिष्ठ जैसा महर्षि और विद्वान राम और सीता की विवाह की कुंडली मिला करके विवाह कराया, क्या परिणाम हुआ? जंगल में भटकते फिरे और सीता बेचारी पराए पुरुष के घर बंद नहीं रही, और लौट कर आए भी तो सुख से कुछ दिन भी अपने महल में नहीं रह पाई कि फिर वनवास मिला। इतना दुखांत दर्दनाक अंत हुआ, और राम भी सारे जीवन विधुर का सा जीवन जिया। तो क्या हुआ वो कुंडली का मिलाना,
गुरुजी, हम अगर ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास ना करें, शकुन अपशकुन ना माने, तो फिर हमारा सही मंगल क्या है? यही समझना चाहिए ना बेटी, सही मंगल हमारे सत्कर्म है। जैसे कहा मैंने कि जिस समय हम वाणी से, शरीर से और मन से कोई सत्कर्म कर रहे हैं, हमारे लिए वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। जिस समय हम दुष्कर्म कर रहे हैं वाणी का, शरीर का या मन का, हमारे लिए वो बड़ा बुरा मुहूर्त है, बड़ा अमंगल होगा। बस इसको महत्व दे तो काम बन गया। लेकिन कठिनाई ये होती है, लोगों को कोई सस्ता सौदा चाहिए। अपने मन को सुधारना, अपने कर्मों को सुधारना कठिन होता है, इसलिए इस तरह के जंजाल में उलझ जाते हैं। तो यही बोधिसत्व जब भगवान बुद्ध बने, गौतम बुद्ध बने, तो उस समय भी ये समस्या सामने आई कि लोग कभी कोई इस शकुन को मंगल माने, कोई उस शकुन को मंगल माने, कोई इसको अमंगल माने, कोई उसको अमंगल माने, कोई ये माने, कोई वो माने। तो गए बुद्ध के पास कि आप बताइए कि सही मंगल क्या होता है। तो उन्होंने 38 मंगल धर्म सिखाए, गृहस्थों के लिए एक उपदेश दिया, 38 मंगल धर्म। सारे सत्कर्म ही सत्कर्म। एक गृहस्थ के लिए अनेक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे वो बिल्कुल धार्मिक दृष्टिकोण से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उसको पूरा करेगा। तो आरंभ में शुरू किया पहला मंगल धर्म, तो फिर कदम कदम उससे आगे का, उससे आगे का, यूं करते करते मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। तो गृहस्थ जीवन सफल हुआ, मनुष्य जीवन सफल हुआ। तो ये 38 मंगल धर्म जो सिखाए गए, अगर इसको उस समय लोगों ने स्वीकार किया, लाभ हुआ उनका, धीरे धीरे फिर भूल गए, आज अगर फिर स्वीकार करते हैं तो उसी तरह से लाभ होने वाला है। तो हमें इन 38 मंगल धर्मों को समझना चाहिए और फिर उसे गृहस्थ हैं तो अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, खूब मंगल ही मंगल होगा। शुक्रिया गुरुजी, इन 38 मंगल धर्मों के बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त वक्त हो रहा है हमारे दर्शकों के प्रश्नों का, तो दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस शो का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो चलिए गुरुजी से आपके प्रश्न पूछते हैं। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं स्मिथ बांगर, उन्होंने हमें ईमेल किया है। वो पूछते हैं कि अगर आदमी आदमी में भेद नहीं है, तो फिर एक व्यक्ति दूसरे से दिखने में, स्वभाव में आदि अलग अलग क्यों होता है? निसर्ग सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाता? निसर्ग तो भेदभाव करता नहीं है ना? इसमें निसर्ग क्या करेगा बेटी, स्वभाव एक व्यक्ति स्वयं बनाता है अपना। नासमझी से बुरा स्वभाव बना लेता है, समझदारी से अच्छा स्वभाव बना लेता है। निसर्ग तो ये करता है कि जैसा स्वभाव है और उसके मुताबिक जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा, इसमें भेदभाव नहीं करता। कोई आदमी बुरा कर्म करने वाला इस जाति का है कि उस जाति का है कि इस वर्ण का है, कोई लेन देन नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे सत्कर्म करता है उसको सुख मिलेगा ही। स्वभाव हम बनाते हैं, कर्म हम करते हैं, तो अपना स्वभाव जो अनेक जन्मों से बुरा बनाते आए, बुरा बनाते आए, इस जीवन में भी उसको बुराई कर रहे हैं, तो बाहर कैसे निकलेंगे उसके? अंतर्मुखी होकर के उन गहराइयों तक जाएं और अपने स्वभाव को पलट लें। वो स्वभाव जो हमसे दुष्कर्म करवाता है, वो स्वभाव पलट गया तो अपने आप सत्कर्म होने शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो ये उलझन बनी रहेगी। निसर्ग को दोष नहीं दें, अपने आप को दोष दें। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद जी बैंकॉक से। सदाचार धर्म का प्रथम चरण है, तो फिर आज दुनिया में इतना दुराचार क्यों फैला है? सीधी बात है, धर्म नहीं है इसलिए धर्माचरण नहीं है। धर्माचरण और सदाचरण एक ही तो बात है ना। धर्म छोड़ दिया, धर्म के नाम पर ये सब जातिवाद और वर्णवाद और कर्म कांड और दार्शनिक मान्यताएं, ये धर्म हो गया। वास्तविक धर्म क्या है इसको भूल गए तो जीवन में धर्म उतरा नहीं, सदाचार कैसे आएगा? धर्म सचमुच समझ में आ जाए और धर्म जीवन में उतरने लगे तो सदाचरण अपने आप हो गया। तो धर्म जागना चाहिए, धर्माचरण होना चाहिए, सदाचरण उसी को कहते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं राजेश कुमार जी कानपुर से। वो पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलत काम कर लिया, उसका पछतावा भी होता है और फिर निरंतर गिल्टी फील करते रहते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करें? बहुत गलत बात।
गलत काम कर लिया, अब उसको लेकर के एक अपराध की ग्रंथि, एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स और उसको लेकर व्याकुल हो, कल्याण की बात नहीं हुई। गलती हो गई तो अच्छी बात यह है कि अपने किसी बड़े को जाकर के स्वीकार करें, मुझसे ये गलती हो गई और आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि इसके आगे ये गलती मुझसे नहीं होगी, बात खत्म। और नहीं तो उस गिल्ट को बार बार उस अपराध ग्रंथि को बढ़ाते बढ़ाते और व्याकुल होंगे। अपराध को छिपाना भी नहीं, अपराध का न्यायीकरण करना भी नहीं, तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ये पक्का निर्णय करो, बस कल्याण हो गया। शुक्रिया गुरुजी, ये तो आपने बड़ी अच्छी सीख दी। गुरुजी आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपने प्रश्न और खत हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। तो दर्शकों, देखना ना भूलिए अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय ऊर्जा। नमस्कार।